हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत अच्छी हूँ। और आज मैं बना रही हूँ बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही जल्दी झटपट बनने वाली रेसिपी। तो ये है टमाटर की चटनी। तो चलिए बनाते हैं। और ये सिर्फ 2 से 3 इंग्रेडिएंट में बन जाती है और फटाफट बनती है। तो चलिए किचन में चलते हैं और बनाते हैं। तो हमारी आज की रेसिपी का मेन बादशाह जो है वो है टमाटर। तो मैं इस लाल लाल टमाटर से चटनी बनाऊंगी। तो ये 1 किलो टमाटर है, मैं इसमें से आधा टमाटर यानी 500 ग्राम टमाटर यूज़ करूंगी। तो ये टमाटर को मैंने धो लिया है और अभी मैं इसको इस तरह से काट के, बस इस तरह से बीच से काट के रखना। तो सारे टमाटर को मैंने इस तरह से काट लिया है। तो चलिए अभी बनाना शुरू करते हैं। तो पैन गरम हो गया है और मैं बहुत ही थोड़ा सा इसमें तेल डाल रही हूँ। आज की ये जो रेसिपी है मैं मस्टर्ड ऑयल में बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं लहसुन और लाल मिर्च को फ्राई कर लूँगी। तो 4-5 कली लहसुन है और 6-7 लाल मिर्च है, तो इनको बहुत अच्छे से फ्राई करना है। पहले इसको फ्राई कर लेंगे। तो ये फ्राई हो गया है और मैं इसको अब इसमें निकाल लेती हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, फ्राई हो गया है ये। और अब इसी तेल में मैं इसको रख रही हूँ। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। तो बस इसको मैं थोड़ा सा ढककर रखती हूँ और इसको थोड़ा सा स्लो फ्लेम पे मैंने इसको रखा है। तो अभी थोड़ा सा इसको ढककर रखती हूँ और जब तक मैं दूसरी तैयारी कर रही हूँ। तो टमाटर एक साइड से काफ़ी अच्छी तरह से हो गए थे, तो मैंने उसका साइड चेंज कर दिया है और आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। लाल मिर्च और लहसुन को मैंने फ्राई किया था, मैंने उसको मिक्सर जार में डाल दिया है और थोड़ा सा नमक भी डाल दिया है। और बस इसको इसी तरह ड्राई मैं इसको पाउडर बना लूँगी। और अब सारे टमाटर हो गए हैं, तो अभी इसको फिर से साइड चेंज कर देंगे। और आप देख सकते हैं कि इसका स्किन जो है, टमाटर का जो स्किन है, बहुत आसानी से निकल रहा है। तो बस इसको इस तरह चिमटे से या किसी चम्मच वगैरह से पकड़ कर इसका पूरा स्किन निकाल देंगे। तो बस इसी तरह मैं सारे टमाटर की स्किन निकाल दूंगी। ये देखिए बहुत ही आसानी के साथ निकल रही है, ये देखिए। तो बस इसी तरह मैंने सारे टमाटर की स्किन निकाल दिया है और अभी मैं इसमें मसाले मिक्स करूंगी। तो मैंने यहाँ पर प्याज, हरी धनिया, हरी मिर्च वगैरह सब बारीक कट करके रख लिया है और अभी इन सबको इसमें मिक्स कर दूंगी। लहसुन और मिर्ची को मैंने पीस कर रखा था, सबसे पहले मैं उसको डाल दूंगी। बारीक कांदा कट करके डाल दिया है, बारीक हरी मिर्च है, ढेर सारी हरी धनिया है, इन सबको डालकर और फिर मैशर से इसको बहुत अच्छी तरह से मैश कर लेना है। और यहाँ पर थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे क्योंकि नमक मैंने बहुत कम डाला था। तो बस इसको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। माशाल्लाह टमाटर की चटनी बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है और बहुत ही ज़्यादा यमी लग रही है। इसको देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है और फटाफट बन जाती है। 10 मिनट में बिल्कुल बनकर रेडी हो गई है और 2-3 इंग्रेडिएंट्स में बनकर रेडी हो जाती है। और इसमें मैंने ऊपर से थोड़ा सा अभी मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है और आप चाहें तो कच्चा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल को गर्म किया है और फिर डाल रही हूँ क्योंकि कच्चे में थोड़ा तेज़ होता है तो शायद बच्चे नहीं खा सकेंगे।
तो मैंने गरम करके डाल दिया है। तो चलिए अभी फटाफट सर्व करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, टमाटर की चटनी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है और बहुत ही ज़्यादा यमी और बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग दिख रही है। आप इसको रोटी पराठे के साथ खा सकते हैं, खिचड़ी के साथ खाइए, बहुत मज़ेदार लगता है। होप आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, और पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, अल्लाह हाफिज़।